जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है शरीर में कमजोरी आने लगती है, साथ ही साथ शरीर में ताकत की कमी होने लगती है। तो ऐसे मार्केट में एक ड्रग मौजूद है, एक इंजेक्शन आता है जिससे शरीर में कमजोरी दूर होती है और शरीर में ताकत बढ़ाने का भी कार्य करता है। और जो मार्केट के अंदर ये इंजेक्शन आता है ये जाना जाता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन के नाम से। मतलब कि ये जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन होते हैं ये हमारे शरीर के काफी सारी दिक्कतों को दूर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे मल्टी विटामिन इंजेक्शन के बारे में। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस पर। हम बात कर रहे हैं मल्टी विटामिन इंजेक्शन के बारे में। तो जब भी हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगती है शरीर में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली हमारी जो शरीर में कमजोरी है वो बढ़ने लगती है, शरीर की ताकत घटने लगती है। तो ऐसे में ये जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन होते हैं इनमें काफी कारगर हैं, काफी उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए और किन चीजों से मिलकर के इनको बनाया गया है, यानी कि कॉम्पोजिशन क्या है, वो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन है इनके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन। इसके अंदर विटामिन ए होता है 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग, थायामीन होता है मींस विटामिन B1 5 मिलीग्राम, विटामिन B2 होता है जो कि 1.40 मिलीग्राम होता है, विटामिन D3 होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट्स के अनुसार, और पेंटोथेनिक एसिड होता है जिसे आप विटामिन B5 के नाम से जानते हैं। अब बात आ जाती है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब देखो शरीर में कमजोरी क्यों आएगी, ताकत की कमी क्यों होगी, क्योंकि हमारी शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। हमारी बॉडी को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ही दूर करता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन जो होता है। अब बात आ जाती है कि ये काम कैसे करेगा। इसके अंदर 5 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन D3 और विटामिन B5, जो कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की कमी हो जाती है। तो उसको दूर करने में मदद करेंगे जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पर्याप्त रहेंगे। अब बात आ जाती है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ही लगाया जाता है, चाहे वो अपने अस्पताल में लगे या वो हमारा क्लिनिक में लगे, वो डॉक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है। जो डायरेक्शंस डॉक्टर देता है उसी के अनुसार फॉलो करना होता है। अब बात आ जाती है जो कि सबसे अहम है, यानी कि सावधानियां, प्रिकॉशंस। तो इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले एक बार इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें। इसको हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही रखना है, स्पेशली अच्छा रहेगा कि रेफ्रिजरेटर में रखें और छोटे बच्चों की पहुंच और नजर से दूर रखना है। आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना मल्टी विटामिन इंजेक्शंस के बारे में। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। वहां पर सर्च कीजिएगा मेडिसिन डिक्शनरी, तो आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन वहां पर प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।